केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अपना नामांकन दाखिल किया, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम देख रहे थे कि जब आप गुना से निकले तो तमाम हुजूम देखने को मिला, किस तरह का जी जन समर्थन आप देख पा रहे हैं? मैं कृतज्ञ हूँ मेरे कार्यकर्ताओं के प्रति, मेरे परिवारजनों के प्रति जो मेरे कार्यकर्ता हैं, और क्षेत्र की जनता के प्रति कितने बड़े तादाद में मुझे आशीर्वाद इस महत्वपूर्ण दिवस पर प्रदान करने के लिए उपस्थित रहे। नामांकन का दिवस एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस किसी भी व्यक्ति के जीवन में होता है। जब उसे मौका मिला है विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र में एक संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना प्रत्याशी के रूप में, मैं धन्यवाद भी अर्पित करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रति, प्रधानमंत्री जी के प्रति, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के प्रति, गृहमंत्री अमित शाह जी के प्रति, जिन्होंने मुझमें ये क्षमता देखी और ये मुझे मौका दिया क्षेत्र में प्रत्याशी बनने के लिए। सर, जिस तरह का आपने अपने स्पीच में भी कहा कि आपकी दादी जी भी यहां से प्रतिनिधित्व करती रहीं, आपके पिताजी भी रहे, आप तीसरी पीढ़ी के तौर पर हैं, तो गुना के विकास को लेकर क्या कुछ रोड मैप आपने सोचा है? मैं चाहूंगा कि आप मेरे 17 साल का कार्यकाल आप देख लें। जिस गुना को एक अवसर के रूप में क्षेत्र की जनता ने सौभाग्य मुझे दिया था नेतृत्व करने के लिए, और आज का गुना 17 सालों में जो एक एक संस्था, एक एक अधोसंरचना गुना, शिवपुरी और अशोकनगर में मैंने बनाने की कोशिश की है, खून पसीना मैंने एक किया है, और इस स्तर तक हम लोग गुना को ले आए हैं। जहां पगडंडियां होती थी वहां सड़कें बनाई, जहां सड़कें होती थी वहां नेशनल हाईवे बनाए। जिस हाईवे पर आप अभी आए हैं मेरे साथ, वो कभी नहीं होती थी। यहां ग्वालियर से शिवपुरी से गुना से देवास तक 450 किलोमीटर का ये 6,000 करोड़ रुपए का हाईवे है जो मैंने स्वीकृत करवाया था। यहां 2 लेन का हाईवे होता था, एक ट्रक ब्रेकडाउन होती थी तो 25 किलोमीटर का जाम होता था। आज किस तीव्र गति से हम लोग ग्वालियर पहुंचे, और यही विकास और प्रगति का तारतम्य भविष्य में भी इसका मार्ग मैं प्रशस्त करूंगा। इसका मानचित्र क्षेत्र की जनता के साथ बैठकर, साथ में मिलकर हम लोग मनाएंगे और उसी के तहत हम लोग कार्य करेंगे। जी सर, पूरे देश में 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया है, मध्य प्रदेश की बात करें तो मिशन 29 की बात हो रही है, इंडिया गठबंधन यहाँ कहाँ आप खड़ा पा रहे हैं? कहीं लग रहा है कि ये जो आपका विजय अभियान उसमें कहीं बाधक बनेगा? देखिए, इंडिया गठबंधन गठबंधन नहीं है, ये एक ठगबंधन है। जनता को ठगने का इन अभिनेताओं का बंधन है, और इनको जनता के साथ कुछ लेना देना नहीं है, न सुख में न दुख में। कोरोना काल में आपने कांग्रेस का किसी कार्यकर्ता को मध्य प्रदेश के सड़कों पे देखा? हमारे अध्यक्ष सड़कों पे निकले थे, प्रवासी मजदूरों को जूता और चप्पल पहना रहे थे। ये सुशासन, जनसेवा और जन कल्याण की सोच और विचारधारा होती है। 220 करोड़ वैक्सीन ऐसे देश में लगाए जिस देश में कभी वैक्सीन के आविष्कार नहीं होती थी। पूरा विश्व भौचुक रह गया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि कैसे उन्होंने 140 करोड़ जनता की रक्षा की। सकारात्मक सोच कुछ नहीं है इनके पास, केवल आपका टांग खींचना, आपको नीचे दिखाना, आपके माथे पर कलंक लगाना, आपके शुभ काम किए हुए उनको मिटाने की कोशिश। अपने आप कुछ करके नहीं दिखा सकते। आज जो अधोसंरचना में हाईवेज, आपके रेलवेज, आपका नागर विमानन, आपका टेलीकॉम, जो तीव्र गति की प्रगति हुई है 10 साल में, क्या ये पहले 65 वर्षों में संभव था? आज बुलेट ट्रेन देश में आ रहा है, वंदे भारत चल रहा है, एयरपोर्ट्स हमारे देश में डबल हो चुके हैं 10 साल में। ये कभी हुआ है 65 वर्षों में? केवल मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, और ये देश की जनता जानती है। आज उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान कार्ड योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, हर घर नल योजना हो, एक एक व्यक्ति, एक एक लाभार्थी तक पहुंच रहा है। कोई बीच में जेब काटने वाला नहीं रहा जो पहले जमाने में रहता था, सब जेब कतरों के जेब काट दिए प्रधानमंत्री ने। सर, एक सवाल है छिंदवाड़ा को, कुछ तो जेल के सलाखों के पीछे घूम रहे हैं, और इसलिए एक तड़प आ रही है ठगबंधन में। और जो राम मंदिर का न्योता ठुकरा देते वो रामलीला मैदान में पहुंच गए, देखो उनकी विसंगति। सर, एक सवाल है
छिंदवाड़ा को लेकर जिस तरीके से अभी हाल ही में कुछ रेड हुई, देश में 29 के 29 लोकसभा में कमल का फूल लहराएगा। सर, आपके सामने जो प्रत्याशी हैं उनको कैसे देखते हैं आप? कुछ लग रहा है प्रत्याशी प्रत्याशी होता है, प्रत्याशी का भी सम्मान होना चाहिए, प्रत्याशी का भी मान होना चाहिए। मेरी राजनीति और जनसेवा में सदैव एक स्तर रही है, सकारात्मक सोच और विचारधारा रही है। किसी को नीचे दिखाकर आप बड़े नहीं होते, किसी को मान सम्मान दिखा के ही आप बड़े होते हो। और इसलिए मेरा भाषण भी आज आपने सुना, मेरा भाषण पॉजिटिव था, मेरा भाषण विकास पर था, मेरा भाषण प्रगति पर था, मेरा भाषण विश्वास पर था, मेरा भाषण हृदय के संबंध के आधार पर था, मेरा भाषण भावनात्मक था। वही भाषण आप सुनिएगा कांग्रेस का, सकारात्मक आपको एक शब्द सुनने में आए तो आप जरूर मुझे रिपोर्ट करिएगा। आखिरी प्रश्न सर, आखिरी प्रश्न ये, आपकी पड़ोस सीट से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, क्या खोज खबर ली आपने? किस तरह की? मैंने आपको बता दिया ना, 29 के 29 लोकसभा में कमल का फूल लहराएगा। वो तो इस खोज में है कि ईवीएम को कैसे नाश किया जाए। 384 प्रत्याशी खड़ा करना चाहते हैं हिमाचल और कर्नाटक में। अगर कांग्रेस जीते तो ईवीएम हीरो बन गया, और अगर कहीं कांग्रेस हार जाए तो ईवीएम जीरो बन गया। अब ऐसे विचारधारा में आप क्या कह सकते हो? शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। सर, ये थे जितेंद्र सिंधिया, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि 29 की 29 सीटें इस बार बीजेपी जीतने जा रही है, और कांग्रेस इंडिया जो गठबंधन है वो गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है। कैमरा मनीष संगर के साथ साइलेंसिंग न्यूज टीम ग्वालियर।